ना लीजिए प्रभु, कृपया प्रकट होइए। कलयुग धर्मात्माओं पर अत्याचार कर रहा है, उसकी विनाश लीला बढ़ती जा रही है, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए प्रभु, कृपया दर्शन दीजिए महादेव, कृपया दर्शन दीजिए। हनुमान, उद्विग्न होने से कार्य सिद्ध नहीं होगा, तुम्हें धैर्य और शांति से कार्य करना होगा। परंतु महादेव, कलयुग का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हनुमान, कलयुग के इस बढ़ते प्रभाव को केवल भक्ति की शक्ति से ही रोका जा सकता है। तो क्या महादेव, मेरे अंदर भक्ति की शक्ति नहीं है? अवश्य है। तो फिर मैं अपने आप को असमर्थ क्यों अनुभव कर रहा हूँ महादेव, क्यों? हनुमान, क्योंकि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग अपने गदा के माध्यम से करना चाहते हो, परंतु इस शक्ति परीक्षण से कलयुग को परास्त नहीं किया जा सकता। मुझे क्या करना होगा? हनुमान, तुम्हें जन जन में भक्ति का वातावरण बनाना होगा, लोगों में धार्मिक जागृति उत्पन्न करनी होगी, कलयुग के विरुद्ध जन जन को सचेत करना होगा, मनुष्य में यह विश्वास जगाना होगा कि उनका कल्याण केवल धर्म सेवा और भक्ति की शक्ति से ही संभव हो सकेगा। तुम्हें भगवान श्री राम के चरित्र और उनके आदर्शों को प्रसारित और प्रचारित करना होगा। क्या यह कार्य मुझसे हो सकेगा?
हनुमान, ये कार्य तुम अकेले नहीं कर सकोगे, इसलिए शीघ्र ही तुम्हारी सहायता के लिए पृथ्वी पर एक महान आत्मा अवतरित होने वाली है। कौन है वो महान आत्मा? पर त्रेता युग में श्री रामचरित लिखने वाले महान योगी महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि? हाँ हनुमान, महर्षि वाल्मीकि तुम्हारी ब्रह्मलोक में प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम शीघ्र ब्रह्मलोक जाओ और महर्षि वाल्मीकि को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए सहमत करो। महादेव, आपने ये कहकर मेरे हृदय से बहुत बड़ा भार हल्का कर दिया।